देश की राजधानी दिल्ली की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आग बरसाती इस गर्मी में लोगों को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है पानी। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बीच भी बड़ी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। क्या बाथरूम है यहाँ पर लग में? इसी बाथरूम में हम तो पानी भरते हैं पीने वाला। जो जितना बोलता है मैं साफ कर दूंगा, कोई आता ही नहीं है। कब से दिक्कत हो रही है? ये तो कम से कम 40 साल से दिक्कत। और जो जितना अपना पैसा भरता है जेब में, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। नाली ने बंदा 4 महीना हो गया। पानी का टैंक कैसे आता है? टैंकर पानी का टैंक आता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कोई टाइम नहीं है। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी नहीं आया। वो पानी वाला वो खराब है, लाइन खराब है, 1 हफ्ता हो गया। बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ये जो पानी का समस्या है यहाँ पे एज इट इज बना हुआ है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो टैंकर से आता है और टैंकर का अपना एक लिमिटेशन है, क्योंकि जितना पानी टैंकर से आता है, जितना पानी इसमें भरने में और इस पूरे प्रोसेस में वेस्ट होता है, इतने से अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे घर घर कनेक्शन लगाकर, पाइप लगाकर हमें पानी दे सकती है। लेकिन हमें नहीं पता क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है। मतलब वोट बैंक आजकल अगर बनाना है तो टैंकर की राजनीति को बना के रखना। तपती दिल्ली में जल संकट से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों की पूरी रात पानी के इंतजार में कट रही है। वहीं टैंकर पर निर्भर बड़ी आबादी को भी पानी नसीब नहीं हो रहा है।